शंकरदा कौन जीत रहा है आज? भाई इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगी पक्का हुआ। फाइनल इंडिया पाकिस्तान और फिर फाइनल में इंडिया जीतेगी। अब कहीं आज ना हार जाए इंडिया। आपने पुराना नहर लगा रखा है यार, ये लोहे वाला क्यों नहीं लगा रखा है? ये मेरे बुजुर्गों वाला है। ये बुजुर्गों वाला है? बुजुर्गों वाला है इसका, वो भी लो नहर का। इसी के साथ कुछ निकम्मे लोग भी आ गए हैं इस खेत में। देखो एक निकम्मा ये है, एक निकम्मी ये है, दो निकम्मे ये, इनका और कोई काम नहीं है अभी। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 10 नवंबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं खेत में। कल रात में देर से घर लौटा तो देर से नींद खुली है, तो अभी बज गए हैं 8:30 और 8:30 बजे मैं जा रहा हूँ खेत में बैलों को लेकर। कंधे पर है हल और सामने से आगे से जा रहे हैं बैल, आगे बैल जा रहे हैं, कंधे पर हल है। रास्ता थोड़ा ख़राब रखा है, दिखाता हूँ आपको कैसा है रास्ता। ये देखो दोस्तों कुछ ऐसा हो रहा है रास्ता, हल्का हल्का कीचड़ और पतला सा एकदम। चल हाँ, जो मकान दिख रहा है ना उसके पीछे है हमारा खेत। यहाँ से भी 20-25 मीटर और होगा तो मिलता हूँ आपको सीधे खेत में। ज़्यादा दूर नहीं है खेत। रास्ता थोड़ा ख़राब हो रहा है, नहीं तो देखो कैसा रास्ता हो रहा है। ये बैल भी नहीं चल पा रहा आराम से। हम कैसे चलें इसमें? ओ खिमदा कदू बजे आसा? 7 बजे। अभी तुमने अद्दू गड़ बहली यार, बेकार हर सो एकार बार रहे हो क्या? डेल वाड़ भयंकर निकलनी नहीं यार। चल हाँ ना यार, हितोल छू। चल अभी मैं ही लेट नहीं हो रखा हूँ। ये लोग भी अभी आ रहे हैं, शंकरदा लोग। शंकरदा हो गए, सिद्धा हो गए। नीचे वाला है दोस्तों हमारा खेत। अब सीधा मिलता हूँ आपको खेत में। तो दोस्तों हमारे खेत की जो है जुताई हो गई है लगभग। ऊपर वाले खेत में आ गए हैं ताऊजी लोग, बुआई कर रहे हैं गेहूँ की। तो दोस्तों बज गए हैं दोपहर के, मतलब सुबह के 11, दोपहर नहीं कहेंगे, सुबह के 11 बज गए हैं। और इस वाले खेत से मैंने अपने बैल जो है खोल के दूसरे खेतों में अभी भाई ले जा रहा है। फिलहाल मैं ऊपर वाले खेत में सीधा है, वहाँ उनसे ज़्यादा बातचीत करता हूँ। ऊपर वाला खेत दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ है दोस्तों, यहाँ जाता हूँ, थोड़ा गप मारता हूँ 2-4 मिनट, फिर जाएंगे अपने खेत में। कल रात पार्टी में थे, अरे पार्टी क्या थी, 12-1 बजे गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद एडिटिंग की तो मैं सोया 2-2:30 बजे। फिर सुबह आज जल्दी उठा दिया मम्मी ने, अभी नींद जैसी आ रही है। इसके बाद अभी मैच भी है 1:30-2 बजे से, पता नहीं कितने बजे से मैच है इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल। वो भी देखना था, पता नहीं तब तक काम पूरा होगा या नहीं होगा मेरा। देखते हैं क्या होता है। शिवदा कार बाण सा, मैं आपके साथ ही तो बैठने आया हूँ। अभी कैसा हो रहा है यहाँ बाना? टाइट है। बैल किसके हैं ये? तुम्हारे नहीं लग रहे? कोई शिवदा यार, अच्छा सुंदा लोगों के तमा हो असली हरो यार, हम हंसू तमो हंसू। वाह मजा आ गया। ये बल तो तेज नहीं हो रहे यार। बैल तेज नहीं हो रहे, तुम्हारे बैल तो तेज हैं। थक गए हैं किला घर से ना। हमारे बैल, हाँ हमारे बैल भी पानी को गए हैं वहाँ पटिया वाले के वहाँ। मधंदा के यहाँ नहीं, प्रधान साहब हुआ, प्रधान साहब के वहाँ। अच्छा हो तनी तनी खटको दे तो होला बोल हमने हम बोल डरो धान छाप के वहां गए और मधंदा हम हर साल है हम बड़ा मर जाते बड़े। ये देखो ये चूहे की हाल देखो दोस्तों, ऊपर वाले खेत से मिट्टी खोदकर चूहे ने नीचे वाले खेत में डाल दिया। लेकिन ये जो मिट्टी है ये हमारी पिच बनाने के काम आती है, क्रिकेट पिच बनाने की, एकदम बारीक मिट्टी। ये इसको हम कट्टे में भर भर के अगर पिच बनाएंगे तो वहाँ ले जाएंगे, यहाँ से तो नहीं ले जाएंगे लेकिन वहाँ से ले जाएंगे। शंकरदा कब जा रहे हो कोसानी? चलते हैं एक आध हफ्ते बाद, फिर एक आध हफ्ते बाद शंकरदा के साथ बनाऊंगा एक बढ़िया वीडियो इनके होटल में जाके। ये ऐसा नज़ारा है दोस्तों। अभी हमारे बैल मेरे ख्याल से पहुँच गए हैं खेत में, तो निकलता हूँ नहीं तो फिर डांट खाने का मौसम हो जाता है। शंकरदा कौन जीत रहा है आज? इंडिया जीतेगी पक्का हुआ, फाइनल इंडिया पाकिस्तान। और फिर फाइनल में इंडिया जीतेगी। अब कहीं आज ना हार जाए इंडिया, हारने को यार अल्लाह पे। बात की देखी जाएगी। अच्छा वो तो पिच और खेल पे डिपेंड है। हाँ, टॉस पे भी है क्या? टॉस पे भी है कुछ? टॉस पे भी होगा। मेरे तो दोनों टीमों के प्लेयरों पे है वो। वैसे मुझे लग रहा है आज इंडिया का पल्ला भारी है पर रोहित शर्मा फिर भी है ना। रोहित शर्मा चलेगा, देख लेना 50 बनाएगा। फिर भी है ना, बड़े मैचों में तो चलते ही है, बड़े मैच में चलता है वो। हाँ। कोहली चलेगा। देखते हैं फिर जो भी होगा। मैं भी फटाफट काम निपटाता हूँ, फिर मैच वैच देखेंगे। अच्छा शिवदा बाबू फिर है। हाँ। आपने पुराना नहर लगा रखा है यार, ये लोहे वाला क्यों नहीं लगा रखा है? ये बुजुर्गों वाला है। इसका वो भी लो नहर का, इससे होता है ना थोड़ा ढेल ना निकलनी, ये छोटे निकलेंगे। हाँ, मिट्टी के ढेले छोटे तो कहाँ निकल रहे हैं फिर यार। तो दोस्तों जाता हूँ अपने खेत में, बहुत हो गई गपशप। तो जी आ गया हूँ अपने खेत में। अभी मम्मी बो रही है, अब मैं बैलू के साथ जुताई करता हूँ, खेत जोतता हूँ, भाई को थोड़ा आराम देता हूँ। इसके बाद एक और खेत में जाना है, उसके बाद जाएंगे घर। देखता हूँ तब तक मैच शुरू होता है नहीं होता है। 11:30 तो होने ही वाले हैं। तो दोस्तों चाय का टाइम हो गया है, दोपहर की, मतलब आज के दिन की दूसरी चाय खेत में। ये देखो इट्स टी टाइम पी लेते हैं, कब तक दिखाऊं। इसी के साथ कुछ निकम्मे लोग भी आ गए हैं इस खेत में। देखो एक निकम्मा ये है, एक निकम्मी ये है, दो निकम्मे। ये इनका और कोई काम नहीं है अभी। भाग यहाँ पर, हट। दो निकम्मे, चलो भागो यहाँ से, हट चलो भाग। तो दोस्तों जो हल जोतने के बाद भी ना कुछ कोने रह जाते हैं जहाँ पर हल नहीं लग पाता, तो फिर उन कोनों को हमें ऐसे खोदना पड़ता है कुदाल से, कुछ ऐसे। ये ऐसे होता है यहाँ काम दोस्तों। 12 बज गए 12 साढ़े 12 हो गए। पता नहीं मैच शुरू होने से पहले घर जा पाऊँगा या नहीं। बड़ा मैच है सेमीफाइनल का, देखने का तो बहुत मन है, पता नहीं देख पाऊंगा कि नहीं। तो दोस्तों अभी इंडिया खेल रही है और बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं हुआ है। 17 ओवर हो गए, 17 ओवर में 121 रन बना रखे। 3 ओवर और बचे हैं। पांड्या और कौन खेल रहा है? कोहली खेल रहे हैं। और हम हैं अभी खेत में, यहाँ पर कम से कम आधा घंटा और लग जाएगा, आधा 15 घंटा। तब तक इंग्लैंड की भी 10 ओवर जो है ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ही मैच देखा जाएगा। फिलहाल भाई बैलू के साथ काम कर रहा है और मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। और लास्ट के 3 ओवर मैं चाहता हूँ कि बढ़िया से मैच देखा जाए, तो मैच देखता हूँ। 3 ओवर बाद भाई को भेज दूंगा घर को, क्योंकि इसके बाद घर ही जाना है और मैं इसका काम करके घर जाऊँगा। तो फिलहाल ब्लॉग आपको अब मैं शाम को ही दिखाऊंगा घर जाके। देखता हूँ इंडिया मैच जीतती है हारती है, कम से कम 160 रन तो इंडिया को बनानी चाहिए। 3 ओवर बचे हैं तो 3 ओवर में मतलब 50 रन आराम से बनने चाहिए, 50 नहीं सॉरी 3 ओवर में 40 रन बनाना चाहिए इंडिया को। देखते हैं क्या होता है। कोहली और पांड्या खेल रहे अभी। तो दोस्तों 3:05 हो गए हैं और इंडिया की इनिंग जो है ख़त्म हो गई है। 2-3 ओवर जो बचे थे, अच्छा खेला, बहुत तगड़ा खेला इंडिया ने, मतलब लास्ट में बहुत सही खेल गया। खासकर हार्दिक पांड्या बहुत तगड़ा खेल गया यार, बहुत ज़्यादा। फिलहाल 168 रन इंडिया ने बनाए हैं, एक अच्छा फाइटिंग स्कोर है। फटाफट से मैं इस खेल का काम करता हूँ, बस इतना सा रह गया, ये इतना रह गया, फिर घर जाता हूँ, मैच वैच देखता हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त। तो उम्मीद है फाइनल में हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान और इंडिया का जो फाइनल मैच होगा। फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। और आज मौसम देखो कैसा हो रहा है, बादल लग गए हैं, ठंडा हो रहा है, ठंड पड़ गई है। तो मैं जैकेट पहन लेता हूँ और भाई को भेजता हूँ घर को, और इसका काम करके मैं भी जाऊँगा घर को। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। 1 hour later टीम इंडिया आज देखते ही देखते इंग्लैंड की टीम से 10 विकेट से हार गई, क्योंकि 11 विकेट से हारने का क्रिकेट में कोई ऑप्शन ही नहीं होता।